कितने बजे आपका बच्चा दूध पीता है? कितने बजे, व्हाट टाइम डज योर बेबी ड्रिंक मिल्क? 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 माय बेबी ड्रिंक्स मिल्क एट 7 इन द मॉर्निंग. My baby drinks milk at 7 in the morning. My baby drinks milk at 7 in the morning. My baby drinks milk at 7 in the morning. कितने बजे आपके पिता कार्यालय में जाते हैं? What time does your father go to office? 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 My father goes to office at 9:45. My father goes to office. Goes to office at 9:45. My father goes to office at 9:45. My father goes to office at 9:45. देखिए, अभी भी ये वीडियो आपको पॉज करना है और इन चारों सेंटेंसों की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है. और आपकी कोशिश आपको आपके मोबाइल में रिकॉर्ड करना है और फिर से वो रिकॉर्डिंग सुनने, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है, ढूंढ निकालना है, फिर से कोशिश करनी है, फिर रिकॉर्डिंग करना है, फिर चेक करना है. इस तरह से 5-6-7 बार जब तक आप फ्लुएंटली अंग्रेजी सेंटेंस बना नहीं सकते, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है. जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, तो फिर से वीडियो प्ले कीजिए और अगला पार्ट देखिए. देखिए, मैं एक बार कोशिश करता हूँ. व्हाट टाइम डज योर बेबी ड्रिंक मिल्क? My baby drinks milk at 7 in the morning. What time does your father go to office? My father goes to office on 9:45. इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है. इसी पन्ने पर और दो सेंटेंसेस है, क्वेश्चन आंसर है, उन्हें भी हम अंग्रेजी में बनाते हैं. देखिए वो सेंटेंस क्या है. तुम्हें स्कूल को कितने बजे जाना पड़ता है? कितने बजे, what time have you to go? What time have you to go to school? 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 What time have you to go to go to school? What time have you to go to school? I go to school at 9:30. I go to school at 9:30. आज वह किस समय कार्यालय के लिए गया है? What time has he gone to office today? 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 He has gone to office at 10 today. He has gone to office at 10 today. He has gone to office at 10 today. देखिए, अभी आपको ये वीडियो पॉज करना है और इन चारों सेंटेंस की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है. आपकी कोशिश आपके मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना है, उसे चेक करना है, रिकॉर्डिंग को फिर से कोशिश करनी है, फिर चेक करना है, फिर कोशिश करनी है. इस तरह से 5-6 बार कोशिश करनी है जब तक आप फ्लुएंटली, जैसे आप हिंदी बोलते हैं
उसी तरह से जब तक आप अंग्रेजी सेंटेंस बना नहीं सकते तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर से वीडियो प्ले करना है और अगला पार्ट देखना है। देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ। What time have you to go to office? I go to school at 9:30. What time has he gone to office today? He has gone to office at 10 o'clock today. देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी ओर देखते हुए आपको कोशिश जारी रखनी है। इसके निचले हिस्से में सभी सेंटेंस यहाँ पर अंग्रेजी में दिए हुए हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी देखनी नहीं है, आपको सिर्फ हिंदी की ओर देखना है और आपकी कोशिश करनी है। देखिए, What time does your baby drink milk? My baby drinks milk at 7 o'clock in the morning. What time has your father gone to office? My father has gone to office at 9:45. What time do you have to go to school? I have to go to school at 9:30. What time does he gone to school today? He has gone to office at 10 o'clock. देखिए हमारी जो किताब है SP Challenge to Speak English ये 448 पन्नों वाली किताब है। इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारी वीडियोस देखते रहिए और आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं उन्हें भी जानकारी दे कि वे भी हमारे वीडियो देखते रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।